पिंडरा विधानसभा के बड़ा गांव में एक जनसभा का आयोजन हुआ। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया। बलदेव इंटर कॉलेज के प्रांगण में गुरुवार को हुई जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप लोगों ने भाजपा की दमदार सरकार बनवाई तो एक तरफ जहां विकास के लिए बुलडोजर चलेगा तो वहीं दूसरी तरफ गुंडा अपराधी और माफियाओं के उन्मूलन के लिए बुलडोजर चलेगा। उन्होंने बनारस की 8 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों के साथ रोहनिया से संयुक्त प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री का स्वागत पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने वैदिक मंत्रों और शंख ध्वनि के बीच अंग वस्त्रम एवं गदा देकर किया। इस सभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। प्रदेश में जहां एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है तो वहीं हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार में जहां आप लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली, अगर विपक्ष की सरकार होती तो यह वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती। 10 मार्च के बाद पुनः भाजपा की सरकार बनने पर होली दिवाली पर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। योगी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 की सरकार ने केवल कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाई, लेकिन भाजपा ने प्रदेश का चतुर्मुखी विकास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जन सैलाब उमड़ा। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ कोलसला के पूर्व कांग्रेस विधायक स्वर्गीय लल्लन दुबे के बेटे आदित्य नारायण दुबे, भूपेंद्र दुबे, अनिल पटेल, मुकेश पटेल, रवि कनौजिया, सुधीर कुमार, ब्रजेश चौधरी सहित आधा दर्जन ग्राम प्रधानों ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा परिवार में शामिल बड़ा गांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दीपक सिंह का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। बलदेव इंटर कॉलेज का आधा क्षेत्र पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में और आधा अजगरा विधानसभा क्षेत्र के रामनगर गांव सभा में पड़ता है। वहीं इन 2 क्षेत्रों के अलावा महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर सेवापुरी विधानसभा भी स्थित है। यह निश्चित है कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इन 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता एकत्रित हुई और मुख्यमंत्री ने 3 विधानसभा क्षेत्र को साधा। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट।